हाँ सर बताएं क्या हो रहा है सर यहाँ पर। ये चौकी क्षेत्र डिवीजन थाना जगदीशपुरा में जी, जो जिनके पास राशन नहीं है जी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो किराए के मकानों में रहते हैं, उनको क्षेत्रीय पार्षद या सामाजिक लोगों द्वारा तस्दीक कराकर चिन्हित किया गया है, जिनको टोकन देकर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए राशन वितरित किया जा रहा है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटियां कर रही है और कोशिश कर रही है कि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में भूखा ना सोए। फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं और सभी से क्षेत्रीय लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और शासन प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इस कोरोना जैसे संक्रमण से, महामारी से बचा जा सके। तो सर इसमें सरकारी विभाग इन्वॉल्व है या नहीं है, या पर्सनली कर रहे हैं? ये सभी चीज़ें पुलिस द्वारा बांटी जा रही हैं, सरकार द्वारा कंट्रोल के माध्यम से राशन कार्ड वालों को दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें पुलिस के माध्यम से चल रही हैं। पूरा राशन समाज सेवी संस्थाएं पुलिस के माध्यम से बंटवा रही हैं, ताकि प्रत्येक गरीब तक ये राशन पहुंच सके। पुलिस का सहयोग इसमें सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों को चिन्हित कर राशन पहुंचाना है। मैं सब इंस्पेक्टर अवनीत मान, थाना जगदीशपुरा, चौकी प्रभारी डिवीज़न, अपने उच्च अधिकारीगणों के आदेश से ये खाना वितरित कर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक गरीब भूखा ना सोए और हम घर घर भोजन या राशन पहुंचा सकें, जिससे कि कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। सभी सदस्य हैं जो बंदे हैं सेक्टर वार्ड में, उस वार्ड में सभी हम सिविल डिफेंस से सरकार की कानून व्यवस्था का समर्थन, सभी लोगों का पालन कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, और उनकी सेवा है जो हम उनको पूर्ण रूप से खाना पहुंचा रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, और हमारे थाने परिवार के हम उनकी आज्ञा से ही इन सभी लोगों का जो है जो कुछ भी है सम्मान कर रहे हैं, जिन्हें हमें बताया वही काम कर रहे हैं, और जो कुछ है जो सम्मान करते हैं वो हम सभी को पहुंचाते हैं। उनके बोले सर दिन में एक बार कच्चा वो पका हुआ खाना भी आता है, उसको हम सरकार के द्वारा वितरण करते हैं, घर घर जाके सरकार को देते हैं, हम जो गरीब लोग हैं उनको भी पहुँचाते हैं, और प्लस उसमें अनाज भी आता है कच्चा खाना, जो ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, जो मतलब कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए हम राशन पहुँचाते हैं, वो राशन उनको बनाते हैं, वो खाते हैं। ऐसी सारी मेरा नाम सौरभ सोनी है, मैं सिविल डिफेंस का सेक्टर वार्डन हूँ, मैं पोस्ट नंबर 3 से। मेरा नाम है हितेंद्र सोनी, सेक्टर वार्डन हूँ, पोस्ट 3 से। मेरा नाम राहुल सोनी है, मैं सिविल डिफेंस से हूँ, सेक्टर वार्डन मेरी पोस्ट है, और जगदीशपुरा थाने में आज ड्यूटी लगी हुई है। मुझे आज 12वें दिन है और 12 दिन से मैं अपना आज्ञा पालन कर रहा हूँ, और जो भी राशन जी आता है, खाना खाने के पैकेट आते हैं, मैं उनका जी मेरा सिविल डिफेंस का कार्ड है, आई कार्ड है। हाँ भैया बताएं, आपने कोई अभी देखा यहाँ पे राशन वगैरह मिल रहा है फ्री पुलिस के द्वारा, तो बताएं आप? ये सारा पुलिस के द्वारा ही राशन मिल रहा है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके घर राशन नहीं है, वो सारा चेकिंग करके तजदीस करके उसके माध्यम से चौकी इंचार्ज साहब अवनीत मान जी हैं, जगदीशपुरा चौकी डिवीजन वो और सिविल डिफेंस, सारे लोग उन्हीं लोगों को राशन दे रहे हैं जिनके घर में बाकी में ज़रूरत है, जिनके घर राशन नहीं है, जिनके घर राशन कार्ड नहीं है, ये उनको वितरित हो रहा है। बस जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है उन लोगों के पास। आपने सब चेक कर लिया है कि इनके पास वाकई में राशन? सारा सब कुछ चेक किया गया है सिविल डिफेंस के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, उसके बाद और सहयोगी लोगों के माध्यम से, और पत्रकार बंधु भी हैं उसमें, और 1000 परिवार से कुछ ऊपर करीब लोगों के यहाँ ये राशन वितरण किया जा रहा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।